नमस्कार, अभी हम पंजाब असेंबली इलेक्शन के अमृतसर शहर की जंडियाला विधानसभा में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार भाजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं ब्लॉक कांग्रेस प्रेजिडेंट हूँ जी। और असी जिहड़ा अज साढ़े सारे जिहड़ा वा नगर ने, सारे पिंड ने, हमारे गांव ने जी, आम आदमी पार्टी के साथ चलने का जो फायदा निर्णय लिया है, और हम सभी जो है आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? आपके तो सुना जाता है आपकी बैकग्राउंड ऐसी है, आप पिछले 70 वर्ष से कांग्रेस के साथ थे, तो ऐसा क्या आपका अनुभव रहा जो आपने कांग्रेस छोड़ के आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली? जी, हमारा जो परिवार है, जब से देश आज़ाद हुआ और हमको वोट देने का अधिकार मिला है जी, तभी से हमारा परिवार जो कांग्रेस के लिए वोट करता रहा है और कांग्रेस के लिए वर्करी की है। मेरे फादर साहब वो गांव के सरपंच रहे हैं, मेरे ताया जी सरपंच रहे हैं जी। मैं ब्लॉक कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कांग्रेस की जो स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर बट्ठल है उनके साथ काम किया है, मिंदर सिंह केपी के साथ काम किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम किया है, प्रताप सिंह बाजवा जी के साथ काम किया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे लाल सिंह जी, उनके साथ काम किया है। लेकिन अब जो पहले वाली कांग्रेस थी वो मेरे को कहीं नज़र नहीं आती। अब कांग्रेस में जो है ऊपर, कांग्रेस के ऊपर एक माफिया राज का कब्जा हो गया, और कांग्रेस जो पहले गिनी जाती थी गरीब लोगों की पार्टी, अब गरीब के लिए इनके कोई पॉलिसी जो नहीं बनती, जब बनती भी है तो उसको जो नीचे लागू नहीं किया जाता, और जो ये माफिया जो काबज है उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, पैसा कमाना। जो हमारे विधायक बन जाते हैं उनकी पैसे की दौड़ है, करोड़ों रुपया कैसे कमाना है, मिनिस्टर बनते हैं उनकी है, हमारे 1000 कैसे कमाना है, 2000 करोड़ कैसे कमाना है। इन सब की नीतियों से तंग होकर जो हमने अभी आम आदमी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका, हमारे लोगों ने जो उनका दिल्ली का विकास मॉडल देखा है जी, उसको देखकर ही जो है आम आदमी पार्टी के शामिल होने के निर्णय। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी, क्योंकि पिछले 2017 के इलेक्शन में भी मैंने यहाँ पर कवर किया था, तब भी सुन रहे थे कि आम आदमी पार्टी की काफ़ी सीटें आएंगी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो पिछली बार उतनी सीटें नहीं आ सकीं। इस बार भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या ये सीटों में तब्दील हो पाएगी? जी बिल्कुल, जो पिछली बार था आम आदमी पार्टी, अभी जो नई नई होंद में आई थी, पहले जैसे दिल्ली में उनकी सरकार बनी, उन्होंने पंजाब में जो अपना संगठन जो बनाना चालू किया जी, और अभी बहुत टाइम नहीं होता, और उनका जो संगठन था हर गाँव में संगठन नहीं बन पाया था। अच्छा, और जो पंजाब के लोग हैं बहादुर कौम है पंजाब की, और हमेशा ही बदलाव जो है पंजाब में शुरू होता है जी। और हमारी कांग्रेस, जैसे मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस ने अगर कोई तजर्बा किया तो पंजाब से किया, जैसे कि यूथ कांग्रेस से हम इलेक्शन लड़ते रहे जी, और जो यूथ कांग्रेस का उनके इलेक्शन का था वो पंजाब से ही जड़ा शुरू किया, और पंजाब में यूथ को टिकटें देने शुरू की थी। और पंजाब के लोग हैं हर बार कोई नई चीज़ सोचते हैं, और अब की बार पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि दोनों पार्टी जो पहले जहां स्थापित पार्टी है कांग्रेस पार्टी है और अकाली दल है, उनको उखाड़ के बाहर फेंकना है, और जो आम आदमी पार्टी है उनकी सरकार बनानी है। आपके विरोधियों का अक्सर कहना रहता है कि यहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए जो फंडिंग है वो कुछ विदेशी ताकतें करती हैं जो भारत विरोधी हैं, या उनको खालिस्तानी समर्थक माना जाता है। ये पिछले चुनाव में भी आई थी और इस बार भी ये बातें उठ रही हैं, इनमें कितनी सत्यता पाते हैं आप? नहीं, ये तो वैसे जब इनको कोई दूसरी पार्टियों को आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाने की कोई एलिगेशन मिलता नहीं है तो ऐसी बातें करते हैं। पंजाब के लोग हैं जो हमेशा ही डोनेशन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा तबका जो विदेशों में रहता है जी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सभी लोग, हर परिवार में से एक दो लोग जो फॉरेन में जाके सेटल हुए हैं जी। और आप लोग तो जानते हैं कि जो सिख कौम है और पंजाबी हैं, इनका हमेशा रहता है डोनेशन के लिए, जैसे गुरुद्वारा कोई भी आके लंगर छकता है, कभी किसी ने पूछा नहीं आप कौन हो, कौन कहाँ से है, और उसके लिए डोनेशन कहाँ से आती है किसी को नहीं पता, कहाँ से कौन लोग डोनेशन देके जाते हैं। और पंजाबी जो है डोनेशन करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। ऐसे ही जब आम आदमी पार्टी आई, उनके पास फंडिंग की कम थी, तो जो हमारे NRI थे जी, और उन्होंने जैसे उनको लिए कोई अपना दान दिया, फंडिंग की, उनको फंड दिए, और इनको कोई एलिगेशन नहीं मिला, और इनको
बस इन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि खालिस्तानी तत्व हैं, जबकि खालिस्तानी आप सारा पंजाब घूम कर देख लो कहीं खालिस्तानी तत्व मिलेगा आपको कहीं नहीं है। लेकिन आपके आप अपने इन तरीके की विरोधियों से कैसे निपटेंगे? देखो जी ये तो हम क्या निपटेंगे, अवाम निपटेगी। आज एक कल मन बनाया था हमारे गाँव वालों ने जहाँ एक प्रोग्राम करना, आज यहाँ मेरा ख्याल है कम से कम 300-400 लोगों का इकट्ठ हो गया, नरोल गांव का इकट्ठ था जी, और 1500 वोट है मेरे गांव की, उसमें से 300 बंदा 350 बंदा यहाँ बैठा था, 350-400 के करीब बंदा होगा जो यहाँ बैठा, जो जहाँ बैठे थे, और बदलाव की निशानी है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का इस बार मुकाबला किससे होगा? अकाली से होगा, कांग्रेस से होगा, बीजेपी या अमरिंदर सिंह जी की पार्टी से होगा, किसके साथ मुकाबला पाते हैं आप अपना? देखो अभी इलेक्शन जो स्टार्ट हुई को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 10-12 दिन कंपेनिंग के अभी जो चले हैं, जिस दिन अनाउंस हुई 10-12 दिन लगे, और आप देखिए डे बाय डे जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ जोड़ा अप जा रहा है जी, और अभी तो शुरुआत है, लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर जो जिनकी अच्छी विचारधारा है वो सभी आम आदमी पार्टी नहीं, आप अपना विरोधी किसे पाटते हैं, किसके साथ आपका कंपटीशन रहेगा इस बार के चुनाव? किसी के साथ नहीं, उन्होंने दोनों टीम दोनों जो पार्टी है ना विरोधी पार्टी मेन अकाली दल और कांग्रेस पार्टी जी, दोनों की गिनती जो 20-20 से नीचे रह जाएगी, उसके ऊपर कोई सीट नहीं। बीजेपी के लिए आप कहाँ देखते हैं? नहीं बीजेपी का कोई स्कोप नहीं पंजाब, बीजेपी भी अगर कोई एक आध सीट जीत पाए तो उसकी खुशकिस्मती है कोई सीट नहीं मिलेगी। नहीं यहाँ से उनके 3-3 MP आते हैं, लेकिन देखो जब उनके MP आते थे उनका अलायंस था अकाली दल के साथ, और उनका जो वोट था दोनों पार्टी का एक दूसरे को मिलकर, और जो 3 MP आए थे, और लेकिन अब बहुत मुश्किल है उनके लिए कोई वोट जड़ी हो उनको, मेरा नहीं ख्याल कोई जड़ा, जैसे किसान आंदोलन हुआ यहाँ हमारे तकरीबन पंजाब के 750 लोग हैं जो दिल्ली के बॉर्डर पर जहाँ मारे गए शहीद हो गए, और पंजाब के अवाम को एक गुस्सा है जो BJP के प्रति, फिर चाहे उन्होंने मोदी जी ने जो देश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बिल वापस भी ले लिए, लेकिन अवाम में अभी भी गुस्सा है कि हमारे जो इतने लोग हैं उन्होंने शहीद करवा दिए, इसलिए मेरा ख्याल है कोई पंजाब ऐसी जो BJP को वोट नहीं डाले। आपको क्या लगता है कि यदि आपकी पार्टी जीत के आती है तो पंजाब के अंदर एक नशे की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भगवंत मान जी का निपट पाएंगे? क्योंकि उनके बारे में भी कहा जाता है, लोग उनके ऊपर जोक वगैरह भी बनाते हैं, वो खुद भी अच्छे कॉमेडियन रहे हैं, तो नशे से कैसे निपटा जाएगा? देखो जी जैसे यहाँ पंजाब में सिंथेटिक ड्रग जो कारोबार है तकरीबन पिछले 20-25 साल से काफ़ी प्रफुल्लित हुआ जी, उसमें पहले 10 साल सरकार जो है अकाली दल BJP गवर्नमेंट रही जी, और लोगों अवाम का गुस्सा था नशे के प्रति कि नशे जो नशा बंद नहीं हुआ जी, और अवाम ने अपना गुस्सा वोट के जरिए निकाला और कांग्रेस को सत्ता दी, क्योंकि हमारे जो प्राइम CM बने थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब उनको लॉन्च किया था कांग्रेस ने CM फेस के लिए, और उन्होंने तलवंडी साहब और दमदमा साहब में जो एक गुटका साहब पकड़ के सौंक खाई थी, मैं 4 हफ्ते में जो नशा बंद कर दूंगा, आप देख ही रहे हैं पंजाब में अभी तो गली गली में, आप यहाँ बाहर खड़ो के किसी को बोल दें नशा आपको मिल जाएगा, कहाँ बंद हुआ नशा, तो बंद हो गया, और आप हर पंजाबी का यही मानना उनके पास ऑप्शन आए तो एक आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनको आम आदमी पार्टी में जो भी लोग आए पढ़े लिखे लोग हैं आम घरों के लोग हैं, और उनके साथ जो कांटेक्ट करना पहुंच करना लोगों को एक इजी रहेगा, और लोगों का मानना है कि हम जब अपने विधायक के हमारे अपने पार्टी लीडर से हम अपनी नेता जो बना पाएंगे उनके अपनी कंप्लेंट जो बता पाएंगे तो मे बी जड़ा वा वो पंजाब में नशा जड़ा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की सबसे ज़्यादा प्रमुख 3 समस्याएं क्या हैं कि यदि आपकी पार्टी के विधायक जीतने हैं तो वो तुरंत करेंगे उस चीज़ में? देखो जी हमारे जो मेन समस्या है जो इधर की सबसे बड़ी समस्या तो मेरा ख्याल है जैसे मेन जंडियाला कंस्टिट्यूंसी जंडियाला शहर के नाम से है जी, और जंडियाला शहर का एक शेखुपुरा मल्ला है ठीक, आप कहीं वहाँ जाइए शेखुपुरा में और वहाँ किसी बच्चे को पूछ लो आप चिट्टे के लिए, वहाँ से आपको चिट्टा मिल जाएगा, अल्कोहल दारू जड़ी शराब मिल जाएगी। आप जैसे जानते हैं कि पिछले समय में एक तो ये ड्रग्स का जो मसला है सिंथेटिक ड्रग का, दूसरा अल्कोहल का मिथाइल अल्कोहल जो है यहाँ पंजाब में जैसे पिछले आप जानते हैं कितनी मौतें हो गई थी जी, और वो एक कारोबार वो बहुत जो पंजाब के रेवेन्यू को भी बड़ी तगड़ी वो प्रॉब्लम दे रहा, बड़ा रेवेन्यू जरा पंजाब सरकार का घट रहा, खजाने खोरा लग रहा, वो जिहड़ी अल्कोहल है जी फैक्ट्रियां चो डिस्टलरियां चो डिस्टलरियां किन्हां दीयां ने इन्हां लीडरां दीयां ने जी, इन्हां दी अपनियां फैक्ट्रियां उत्थों अल्कोहल निकलदी आ
ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਜੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ 3 ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਕੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਕਰੀ ਤੋ ਵੀ ਉਸਕੋ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਉਸਸੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਵੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਉਸਕੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਦੀ ਆਪਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਜੋ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਵੋ ਤੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਸਮੇਂ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੈਸੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਿਸੀ ਕੋ ਲੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਨਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਉਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਪਾਤਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਰੀ ਭਲੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ MP ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ CM ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ ਕੇ ਲਈ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਕਿਤਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਏਗੀ? ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਭੀ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਔਰ ਅਭੀ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਵ ਹੈ ਆਪੋ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਹਮ ਤੋ ਯਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੀਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ 100 ਸੇ ਅਬਵ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16-17 ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਮੇਂ ਆਜ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਈਏ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ BJP ਕੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਓਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਮੇਂ। ਆਜ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਸਦ ਅਧਿਕਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ BJP ਨੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਮਾਂਗ ਥੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇ ਅਲੱਗ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ, ਇਹ ਤੋ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਮ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਹੀ ਛੋੜ ਤੋਂ ਭਾਗ ਗਿਆ, ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟੋਂ ਮੇਂ ਜੀਤੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟੋਂ ਪੇ ਭਾਜਪਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ
लुधियाना से मैक्सिमम सीटें जीत के भाजपा की टोली में जाते हैं। क्या कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के भी जो तीनों सीटें आपने उनको गठबंधन में दी हैं वो भी आपके ही चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाह रहे हैं? देखो, गठबंधन धर्म के हिसाब से वो कैंडिडेट कैप्टन साहब ने दी है, उनका जो मानना है उन कैंडिडेट्स का, कि अगर वो कहते हैं भी हमारे चुनाव चिन्ह पर निशान चुनाव लड़ना है तो पार्टी इस पर विचार करेगी और उनको सिंबल देगी। मैं शहर में काफ़ी जगह घूम रहा था तो लोगों के अंदर ये थी एक भावना कि यहाँ पर बाहर के कैंडिडेट आके लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की एक एक सीट से लगभग 8-8, 9-9 लोग उम्मीदवारी के लिए टिकट मांग रहे थे। तो आपको नहीं लगता इससे पार्टी के अंदर गतिरोध बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसे सर, तीन विधानसभा तो हम सीधी सीधी लड़ रहे हैं जी, और तीनों विधानसभाओं में अभी दो कैंडिडेट हमारे अनाउंस हुए हैं, दोनों लोकल वहाँ के कैंडिडेट हैं। नहीं, जो कैप्टन साहब के जो हैं वो तो बाहर के हैं ना? देखो भाई साहब, जब आप गठबंधन धर्म में हो तो हमें संगठन के नाते वो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, और कुछ भी ऐसी बात नहीं है, चाहे इसमें जगमोहन शर्मा जी लड़ रहे हैं, पार्टी उनके साथ चल रही है, ऐसा तो कहीं हमें नज़र नहीं आया। अगर हम पूरे पंजाब के माहौल की बात देखें तो यहाँ पर सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही चल रहा है नंबर वन और टू की लड़ाई, बीजेपी को आप कहाँ देखते हैं? भाई साहब, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही अचंभे वाले होंगे। आप भी देखेंगे 10 मार्च को जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो भाजपा पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी। आम आदमी पार्टी की आप बात करें तो आम आदमी पार्टी ठीक है जोर पकड़ रही है। आप ना शहर में लोग घूम, जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग शाम को 2-4 घंटे चौराहों पर खड़े होते हैं, अगर आप कभी उनका स्टिंग करके देखें तो वो टोटल पेड लोग हैं। आम आदमी पार्टी का एक कहना है कि पहले जो यहाँ पर कभी कांग्रेस की सरकार रहती है, कभी अकाली दल की रहती है, और यहाँ पर एक नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, और उस वजह से ही उनको लगता है कि यहाँ के लोग उनको वोट करेंगे क्योंकि उनके जब उनकी सरकार आएगी तो वो नशा मुक्त पंजाब बना देंगे। आपका क्या कहना है? जिनका मुख्यमंत्री का चेहरा दिन में शराब पी के घूमता है, पार्लियामेंट हाउस में शराब पी के जाता है, उन लोगों के मुँह से नशा मुक्ति की बात अच्छी नहीं लगती। तो ये बात आप अपने कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि अब तो सब डिजिटल हो गया है, अब आप रैलियां तो बड़ी बड़ी कर नहीं सकते, लोगों को कैसे पता लगेगा भगवान मान जी के बारे में? सर, आज की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अवेयर है। आप YouTube पे अभी भी सर्च करके देख लें तो भगवंत मान जी जब सांसद रहते हुए एक रैली में गए तो उनकी हालात ये थी, गाड़ी से निकलते हुए लड़खड़ाते हुए वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं, कितनी ज़्यादा शराब पी रखी थी, जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता शराब के नशे में, वो पंजाब को क्या खड़ा करेगा? तो इसका कुछ एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा? भाई साहब, पंजाब ने जो कुछ समय से हालात पैदा किए हैं, चाहे वो आप है चाहे वो कांग्रेस है, पंजाब ने एक बड़ा काला दौर बड़े लंबे समय में झेला है जी। दोबारा पंजाबी उस काले दौर को नहीं झेलना चाहते, और कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस उस काले दौर को दोबारा पंजाब में लाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व की वजह से। आपका पहले अकाली दल के साथ गठबंधन था, तब ये कहा जाता था कि बीजेपी का वोटर शहर में रहता है और अकाली दल का वोटर गांव में रहता है, और ये चीज़ बाद में काफ़ी लोगों ने कैमरे के पीछे भी बोली कि हाँ, हमारा जैसे आपके संगठन के लोग बोलते हैं कि हमारा गांव में प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना अकाली दल का था, और अकाली दल भी ये बात मानता है कि जितना शहर में आप लोगों का प्रतिनिधित्व है उनका नहीं है। और पिछली जो विधानसभा चुनाव थे 2017 के, उसमें कम से कम 30 से 32 सीटें ऐसी थी जो लोग 500 से 700 वोटों से आपका गठबंधन हार गया था। तो इस बार आपको नहीं लगता है कि इस तरीके की चीज़, चूंकि अब आप अलग अलग लड़ रहे हो तो आपका वोटर कंफ्यूज हो जाएगा और जो 500-700 का मार्जिन था वो आपके कैंडिडेट के लिए बढ़ जाएगा? अच्छा, वैसे जो भी आपने बात की अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन जी, हमने उस समय भी गठबंधन धर्म निभाया जी। क्या अकाली दल ने उस समय गठबंधन धर्म निभाया? अब लुधियाना लोकसभा की बात कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से कांग्रेस का सांसद है जी। पिछली बार लुधियाना लोकसभा से जो अकाली दल का कैंडिडेट था जी, जिन इलाकों में भाजपा की, जिन वार्डों में भाजपा के कैंडिडेट से या भाजपा का जोर है जी, भाजपा की 100% वोट उनको पड़ी जी। आप चुनाव के रिजल्ट निकाल के देख लो, और वो उस अकाली दल का कैंडिडेट उन जगहों से हारा, उन वार्डों से हारा जो प्योर डोमिनेटेड अकाली दल के वार्ड थे।
अकाली दल के कैंडिडेट को अकाली दल की वोट ही नहीं पड़ी। इस बार आप क्या देखते हैं, आप चूंकि इस बार अकाली दल संयुक्त के साथ और कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो सारा 4.5 साल का ढीकरा कैप्टन के ऊपर फोड़ दिया है उनके सर पर, कि जो भी नाकामियां थी वो कैप्टन जी की वजह से थी, तो आपको उसका नुकसान होगा? कांग्रेस को 4.5 साल क्यों लगे कैप्टन की नाकामियों को जाहिर करने के लिए? 4.5 साल पहले कांग्रेस सोई हुई थी, उस समय कहाँ थे सोनिया जी, राहुल जी? नहीं, अब उनका मानना है कि चलिए जब आँख खुली तब सवेरा। वो तो भाई साहब जब आँख खुली तभी सवेरा, आँख तो अगर आपकी 4.5 साल बाद आँख क्यों खुलती है? नहीं, वो कह रहे हैं 6 महीने में जो चन्नी जी ने काम किया है वो 4.5 साल को कवर कर देगा। 6 महीने में चन्नी जी ने सारे पंजाब को, पंजाब के लोग ना मुर्तखोर नहीं है, हमारा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक चीज़ बताइए, जो टैक्स पेयर है उसकी क्या गलती है कि वो टैक्स पे करता है जी? भाई साहब कोई भी चीज़, मेरा मानना ये है कि कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए जी। उसका एक रेट फिक्स कर दिया जाए, बिजली देनी है 4 रुपये देनी है तो सभी को 4 रुपये मिले जी। ये नहीं है कि एक बंदे को बिजली फ्री मिल रही है, एक उसके 14 रुपये भर रहा है, जो 14 रुपये भर रहा है उसका क्या कसूर है? हम जनता में खुद ही डिवाइडेशन कर रहे हैं, जबकि समाज एक इक्वल है, हमें सारे समाज को इकट्ठा लेके चलना चाहिए। अभी पिछले दिनों देखा गया किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बीजेपी के विधायक के साथ भी बड़ी बदसलूकी की गई पंजाब के अंदर, और यहाँ के लोगों के अंदर एक डर का माहौल था। तो आपको लगता है कि बीजेपी का वोटर घर से निकल के वोट करेगा? बीजेपी का वोटर 100% वोट करेगा, और जो ये भय का माहौल इन्होंने पंजाब में पैदा किया है, कहीं ना कहीं हिंदू और सिख भाईचारे पर इन्होंने चोट करने की कोशिश की है। पर बीजेपी का कार्यकर्ता पहले भी अपने भाईचारे के साथ कायम था, और जो एक साल में इन्होंने पंजाब में डर का माहौल पैदा किया है, उस डर के माहौल से इन्हीं को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। एक आपसे आखिरी सवाल, 10 मार्च के लिए आपको क्या लगता है आपके गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेंगे पंजाब में। मतलब जैसा सर्वे आजकल बोल रहे हैं कि यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा होगी, आप उसको हामी भर रहे हैं उसमें? पंजाब में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनके निकलेगी। 10 मार्च को हम दोबारा मिलेंगे जी, इसी जगह पे दोबारा आपसे बातचीत करेंगे जी, और जो मैं आज कह रहा हूँ उस दिन आपसे ये डिस्कस करूँगा कि भाई साहब बताइए कि हमने उस दिन आपसे बात हुई थी वो सही है कि गलत। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब असेंबली इलेक्शन 2022 में हमने पिछले कई दिनों में अमृतसर, जलंधर और लुधियाना की कई सीटों का मुआयना किया, जिसमें हमने पाया कि जो शहरी सीटें हैं उसमें 3-4 जो प्रमुख दल हैं उनके बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट है। पिछले 2017 के चुनावों में भी कुछ सीटें ऐसी थीं, 30 से 32 सीटें, जिसमें हार जीत का अंतर 1000 वोटों से कम था। तो इस बार कैंडिडेट और मतदाता दोनों ही यहां पर बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं कि वो किसको वोट करें, क्योंकि पिछली बार बीजेपी अकाली दल के साथ थी, इस बार अकाली दल बसपा के साथ चला गया है, और शहरी सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी तथा आम आदमी पार्टी की भी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। और लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है इस बार पंजाब के अंदर त्रिशंकु विधानसभा आ जाए। तो ये पिछले कई दिनों का हमारा इन प्रमुख शहरों का सर्वे है। आगे हम पटियाला जाएंगे और उसके बाद पंजाब के और हिस्सों में भी जाएंगे और वहाँ से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट देंगे।